जी, मेरा सवाल हेलो। इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से अब डबल इंजन की चर्चा है और दिल्ली में जिस तरह से मंथन किया जा रहा है, तो अब मध्य प्रदेश को ही ले लें तो जो 2023 में चुनाव है उसमें डबल इंजन दिखाकर आप वोट मांगेंगे जनता से? देखिए साहब, काम बोलता है और हमने हेलो काम किया है जी, और हम आश्वस्त रहते हैं दो आधारों पर, एक तो हमारा काम और दूसरा हमारे संगठन की जो रूपरेखा है जो 24/7 काम करती है, जनता से, जनता के मुद्दों से, जनता के लिए जुड़ी रहती है और जनता के द्वारा ही हमारा संगठन चलता है, तो इसलिए हमको ये कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन आप डबल इंजन की क्यों बात करते हैं सर? कई कई जगहों पर तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, नगरीय निकाय पर भी हमारी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कई सारी हमारी है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। तो आप डबल इंजन की बात, अब ये पुरानी बात हो गई, हम ट्रिपल इंजन नहीं, से लेकिन देश नई का बात तो विकास कर गुलरे रहे जी, हैं। नई बात तो ये भी है, अगर मध्य प्रदेश की आपने ट्रिपल इंजन की बात कर ली तो सवाल तो ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए 16 नगर निगम आपके पास में थे और आपके पास सिर्फ अब 9 बचे हैं। यही तो अंतर है आपके जी देखने में और हमारे देखने में। जी यदि आप मैक्रोस्कोपिकली और हेलीकॉप्टर व्यू से चीजें देखते हैं तो आप इस प्रकार की बात बोलेंगे, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, ग्रास रूट को देखेंगे तो आप नंबर ऑफ पार्षदों को जोड़ ले, पहले से ज्यादा हमने ग्रास रूट पर अपनी जड़ों को मजबूत किया है। रहा सवाल